हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं IRFC के बारे में। यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली हैं IRFC के लिए। यहाँ पे मैं कुछ आपको इनकी रेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूँ जो कि मूडीज़ की तरफ से निकल के आ रही है। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो म्यूचुअल फंड्स में इनकी बहुत ज़्यादा हलचल हुई है। किसी पर्टिकुलर AMC ने बहुत ज़्यादा माल निकाला है तो किसी पर्टिकुलर AMC ने बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया है। मार्केट में आपको डराया जा रहा है कि इसका जो टारगेट है वो 5 रुपए का है और म्यूचुअल फंड्स ने सारी होल्डिंग्स को बेच दिया है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। आपसे जस्ट एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे फ्राइडे के मार्केट सिनेरियो के बारे में जो कि आपको IRFC में देखने को मिला था। अगर आप यहाँ पे देखोगे जो वीकली क्लोजिंग हुई है वो पॉजिटिव साइड पे आपको देखने को मिली है जो कि एक अच्छा साइन नज़र आता है किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। 23.65 रुपए पर आपको इसकी क्लोजिंग देखने को मिली है और ठीक ठाक सा आपको इसमें मूवमेंट देखने को मिला है। ओवरऑल सिनेरियो अगर आप यहाँ पे देखोगे ओपन हाई और लो का आपको यहाँ पे स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा। बाकी एक सबसे अच्छी चीज़ जो आपको फ्राइडे के सिनेरियो में देखने को मिली कि ये 52% से भी ज़्यादा की डिलीवरी परसेंटेज आपको IRFC में देखने को मिली। इसका मतलब है कि लोगों ने इसमें अच्छी खासी खरीदारी करी और अपने पोर्टफोलियो में भी इसको इंक्लूड किया जो कि एक पॉजिटिव साइन निकल के आता है किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक के लिए और आने वाले टाइम में जब कोई बड़ा मूवमेंट आता है तो उसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 52% से भी ज़्यादा की डिलीवरी परसेंटेज को IRFC में देखने को मिली फ्राइडे को। एक एक करके मैं अपडेट बताता हूँ फिर आगे का सिनेरियो क्या रहने वाला है वो बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मूडीज जैसी रेटिंग एजेंसी ने IRFC के शेयर को या IRFC के ओवरऑल जो भी इनके डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसकी रेटिंग में क्या चेंज किया है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि IRFC की जो रेटिंग है उसमें आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है मूडीज के अकॉर्डिंग जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ निकल के आती है किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के लिए। ओवरऑल और भी बहुत सारी कंपनीज है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लेकिन जब हम पर्टिकुलरली IRFC के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देखोगे इनका जो बिजनेस भी दिन ब दिन सुधरता नजर आ रहा है। तो वहीं अगर आप देखो इनके डेट इंस्ट्रूमेंट्स की रेटिंग भी मूडीज जैसी रेटिंग एजेंसी की तरफ से आपको बहुत हद तक इम्प्रूव्ड नज़र आ रही है। वहीं अगर आप देखोगे थोड़े दिनों पहले मूडीज ने जो इंडिया के सोवरन रेटिंग है उसको भी इम्प्रूव किया था, नेगेटिव से स्टेबल की रेटिंग पे लाया गया था, वो भी एक बहुत अच्छी बात निकल के आई थी। अब यहाँ पे जितनी भी गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है उनकी भी रेटिंग यहाँ पे आपको इम्प्रूव्ड नज़र आई है तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर नज़र आता है IRFC के लिए। क्योंकि अगर आप देखोगे इनका जो ओवरऑल बिजनेस सिनेरियो वो तो दिन ब दिन बहुत अच्छी खासी परसेंटेज का इंक्रीज हो रहा है, वहीं अगर आप देखोगे इनके डेट इंस्ट्रूमेंट्स की अगर रेटिंग भी इम्प्रूव हो जाती है तो यहाँ से जो इनका मेन ने फाइनेंस लेने का मतलब दूसरी कंपनी से यहां पे लोन लेके उनको आगे जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें यूज़ करना और फिर उसको वापस करना तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तभी मैंने आपको एक बार ही बताया था कि IRFC की बिजनेस में बहुत अच्छी खासी ग्रोथ आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलने वाली है। अगर आप देखोगे तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर आपको IRFC के लिए बनता हुआ नज़र आने वाला है। तो ये पहली अपडेट निकल के आ रही थी जो कि मैंने आपको बता दी है। अब मैं आपको जो दूसरी अपडेट निकल के आ रही है वो बताता हूँ। सेकेंड चीज़ जो इनकी डायरेक्टली बिजनेस से रिलेटेड है और मेन चीज़ निकल के आती है आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैं आपको इनकी जो रिसेंट होल्डिंग है म्यूचुअल फंड्स की IRFC में वो दिखा रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले जो आपको डराया जा रहा है उसमें अगर आप देखोगे तो इन्वेस्टको के एक फंड ने अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छी खासी परसेंटेज के साथ होल्डिंग्स को डिक्रीज किया है। अब इस पर्टिकुलर अगर चीज़ को यहाँ पर देखोगे तो हाईलाइट किया जा रहा है और बोला जा रहा है कि म्यूचुअल फंड्स ने अपनी होल्डिंग्स बिल्कुल कम कर दी है और यहां पे जो IRFC का टारगेट है वो 5 रुपए का निकल के आ रहा है। लेकिन अगर आप
बायस वर्सा देखोगे, दूसरी चीज देखोगे HDFC जैसी AMC ने 80% तक की इंक्रीमेंट की है अपनी होल्डिंग्स को IRFC में। इस चीज को अगर आप यहाँ पे देखो तो बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल नजर आती है। HDFC के फंड्स के परफॉर्मेंस आपको ऑलरेडी पता होंगे अगर आप म्यूचुअल फंड्स में नॉलेज रखते हो तो HDFC बहुत ही ज्यादा सिलेक्टेड कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करती है। यहाँ पे अगर आप देखोगे 80% से भी ज्यादा का चेंज आपको दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ज्यादा पॉजिटिवली इम्पैक्ट क्रिएट करने वाला है IRFC के शेयर प्राइस में, जिसका अगर आप देखो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेनिफिट बहुत ज़्यादा होने वाला है। इन्वेस्टको के फंड्स इतने ज़्यादा परफॉर्म ऑलरेडी नहीं करते हैं अगर आप कंपेयर करोगे तो, लेकिन वही अगर आप HDFC जैसी रेप्यूटेड AMC से कंपेयर करोगे तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिस अकॉर्डिंग यहाँ पर इतना बड़ा अमाउंट में चेंज आया है करीबन 80%, और यहाँ पर अमाउंट भी आप देख ही पा रहे होगे, ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करने वाला है आने वाले टाइम में IRFC के सिनारियो में। तो इन्वेस्टको ने अगर आप देखोगे दोनों फंड के थ्रू ही यहाँ पे आपको जो होल्डिंग्स है वो डिक्रीज होती हुई नजर आ रही है, लेकिन वहीं अगर आप देखो तो HDFC ने उसको सेट ऑफ किया है और अच्छी खासी होल्डिंग्स को यहाँ पे इंक्रीज किया है IRFC के शेयर में। तो ये पर्टिकुलरली दूसरी अपडेट निकल के आ रही थी जो कि मैंने आपको बता दी है। अब यहाँ से क्या आपको सच में इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं, तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पे ब्रॉड प्रोस्पेक्टस की बात करें, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 100% फाइनेंशियल एनालिस्ट रिकमेंड कर रहे हैं कि आपको IRFC में निवेश करना चाहिए, यानी कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि जिस अकॉर्डिंग इसके फाइनेंशियल्स हैं या फिर आप की मैट्रिसेस तो ऑलरेडी देख ही पा रहे होंगे, इन केस अगर रिटर्न आपको इतने ज़्यादा अच्छे नहीं मिल पाते हैं तो ये जो रिटर्न को सेट ऑफ करता है वो डिविडेंड से करता है। यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे डिविडेंड यील्ड बहुत ज़्यादा अच्छी नज़र आती है IRFC की, और Q2 रिजल्ट्स भी आने वाले हैं जिसमें और ज़्यादा क्लेरिफिकेशन मिलने वाला है कि कितने परसेंट आपको डिविडेंड हो सकता है इस बार मिल जाए। वहीं अगर आप देखोगे इसके फाइनेंशियल ट्रेंड को, जिससे और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, यहां पे प्रॉफिट और रेवेन्यू इनका आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। और अभी लेटेस्ट एक रिपोर्ट भी आई थी जो AGM के थ्रू अपनी कंपनी के बारे में बताया गया था, उसमें भी आपने देखा था कि जो IRFC है वो हाईएस्ट नेट प्रॉफिट पे ट्रेड करते हुए नजर आ रही है। मतलब अभी जो रिसेंटली फाइनेंशियल ईयर 2021 का नेट प्रॉफिट है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट नजर आता है IRFC का। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर नजर आता है। तो सारी चीजें पॉजिटिव नजर आती हैं धीरे ही धीरे करके सही, लेकिन आपको इसमें एक इम्पैक्ट जरूर देखने को मिलेगा जो कि इसके शेयर प्राइस को आने वाले टाइम में इंक्रीज करेगा। दिवाली तक का जो टारगेट निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 31 से 32 रुपए का, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो इस पर्टिकुलर टारगेट के लिए आप यहाँ पे इसमें अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद या फिर अपनी रिसर्च करने के बाद, क्योंकि पैसा आपका है तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी आप ही के होंगे, किसी के इन्फ्लुएंस में आके अपने डिसीजन को चेंज बिल्कुल भी ना करें। आई होप आपको वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।